नमस्कार मेरे दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिलाई मशीन स्टैंड का घुटना सेट बिल्कुल एकदम आसानी से आप कैसे लगा सकते हैं बिना किसी के हेल्प का। यानी कि जब भी कोई भी आदमी घुटना सेट कोई भी कारीगर लगाता है तो एक दूसरे का हेल्प लेने का जरूरत पड़ता है, इसलिए कि पकड़ने के लिए इसको पकड़ते हैं, इसके बाद मशीन रखते हैं, फिर सेटिंग मिलाते हैं, तब इसको घुटना सेट को लगाते हैं। मगर मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ कि जिससे आप अकेले अपने सिलाई मशीन का घुटना सेट लगा सकते हैं। तो चलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ। यानी कि इंची टेप से ऐसे नाप लीजिए पटरा को रख करके, मशीन रखने का जरूरत नहीं है, आप ऐसे नाप के और इसके बाद इसको ऐसे यहाँ पे रख के आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आ जाए। और किसी भी प्रकार का अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे करूंगा बस छोटा सा रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि सिलाई मशीन से रिलेटेड बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मैं आप सबके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं कि सिलाई मशीन स्टैंड का जो घुटना सेट है बिल्कुल आसानी से कैसे सेट कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, यही घुटना सेट पूरा आपको निकाल के और ऐसे इसे आपको सेट करना है। देख लीजिए, आपको इस चिड़िया को भी यहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए और इस तरीके से सेट कर लीजिए। पहले आपको सेट कर लेना है, देख लीजिएगा, और इस तरफ ये भी सेट कर लीजिए, ऐसे रख लीजिए। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पटरे पे आप कहाँ चिन्ह मारेंगे फीता से नाप के और इसके बाद कैसे सेट करेंगे। तो देख लीजिए, इस तरफ जिस तरफ बेल्ट होता है सिलाई मशीन का, बेल्ट जिस तरफ होता है इसी तरफ ये जो खांचा होता है, ये खांचा देख लीजिए, यहाँ से ऐसे चिन्ह लगा लीजिए खांचा की सिधाई पे, और यहाँ से देख लीजिए 4.5 इंच, देख लीजिए 4.5 इंच पे आपको चिन्ह लगाना है, यानी कि 13 सेंटीमीटर पे। पलट के मैं आपको दिखा देता हूँ, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 13 सेंटीमीटर, इधर से आप अगर नापते हैं तो 13 सेंटीमीटर होगा, और अगर उस तरीके से नापते हैं तो 4.5 इंच। देख लीजिए 13 सेंटीमीटर पे मैं टिक लगा दिया हूँ इधर चिन्ह, और इधर 4.5 इंच पे है, देख लीजिए। और इसी तरीके से बस सेम टू सेम इस तरफ आपको चिन्ह लगा लेना है, देख लीजिए यहाँ पे भी 4.5 पे लगा लेना है। अब यहाँ पे चिन्ह लग गया, बस आपको क्या करना है, अब जो घुटना सेट आप सेट किए हैं इसे आपको यहाँ पे इस तरीके से रख लेना है, यहाँ पे ऐसे रख लीजिए। और रखने के बाद में इसका जो चिन्ह आप देख रहे हैं इसी के सिधाई पे पूरा सेट कर लीजिएगा, और एकदम मतलब 4.5 से ज़्यादा ना हो, 4.5 से ज़्यादा ना, 5 हो जाएगा, 5 इंच अगर आप कर देंगे तो भी चल जाएगा, मगर 4.5 से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको फिर से खोलना पड़ेगा। तो देख लीजिए ये नीचे जो वो रखा हुआ है गत्ता रखा हुआ, नीचे ऐसे रख लीजिए गत्ता, इसलिए कि कभी भी आप जब इस पर ठोकर मारेंगे तो ये पटरा में खरोच आ जाएगा, इसलिए तो ये थोड़ा सा गलती हो गया है। यहाँ पर देख लीजिए ये घुमा देते हैं हम, यहाँ पर सेट करते समय मैं आपको समझा नहीं पाया था इस चीज़ को, देख लीजिए इस तरीके से ये चिड़िया जो है ये पीछे की तरफ होगा हमेशा, यानी कि जो ये देख लीजिए यहाँ पे पटरा में जो बोल्ट लगा हुआ है 2 पीस इधर उधर, इसी तरफ छोटा वाला चिड़िया होगा, और उस तरफ आगे की तरफ ये बड़ा वाला जो आपका सेट है, बड़ा वाला प्लेट लगा हुआ है, वो आगे की तरफ होगा। और यहाँ पे फिर क्या करिए, आपको जो स्क्रू है इसे सेट कर लेना है, यहाँ से देख सकते हैं इस तरीके से आपको यहाँ पे सेट करना है। और भी सेट करने के बाद में मैं आपको सिलाई मशीन इस पर सेट करके भी दिखा दूंगा कि आपको यकीन हो जाए। देख लीजिए यहाँ पे जो मार्का लगा हुआ है आप देख सकते हैं, ये निकल जा रहा है इसलिए कि अभी टाइट नहीं किए हैं, फुल हम टाइट नहीं किए हैं, अभी यहाँ पे ठोकर स्क्रू को ठोक लेंगे, और ठोकने के बाद जब फुल टाइट कर देंगे तो ये चीज़ आपका निकलेगा नहीं बार बार, देख लीजिए। तो मैं अभी ठोक लेता हूँ, और ठोकने के बाद में फिर आपको दिखा देता हूँ। तो पटरी के नीचे ज़रूर कुछ रख लेना, आप किस कोई भी चीज़ रख लेना, कपड़ा रख लेना या मतलब कोई गत्ता वगैरह रख लेना कि ताकि खरोच ना आए। और यहाँ पे आप बड़ा वाला पेचकस लेकर के टाइट कर सकते हैं, अगर आपके पास बड़ा पेचकस नहीं है तो आप पूरा फुल ठोक दीजिए स्क्रू को, फिर भी टाइट हो जाएगा। तो ये इस तरफ अभी टाइट नहीं किए हैं, अभी टाइट कर लेते हैं तो निकलेगा नहीं, अभी देख लीजिए ये निकल जा रहा है, तो इसको टाइट कर देते हैं अच्छी तरीके से, देख लीजिए इस तरीके से आप टाइट कर लीजिएगा। अब ये फुल टाइट हो चुका है, अब ये निकलेगा नहीं, देख लीजिएगा अब ये नहीं निकलेगा। तो देख लीजिए फुल टाइट हो चुका है, एकदम सेट हो चुका है। चलिए मशीन पे लगा करके और आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए
यहाँ पे स्टैंड सेट किया हुआ है। अगर आप सिलाई मशीन का स्टैंड सेट करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके देख सकते हैं कि सिलाई मशीन पायदान कैसे सेट किया जाता है। तो देख लीजिए यहाँ पे ये सेट कर दिया हूँ और इसको मैं अभी सेट करने के बाद में फिर आपको दिखाता हूँ। तो बस अब क्या करना है, मशीन सेट हो चुका है और नीचे से बोल्ट को सिर्फ ऐसे सेट करके रख दिया था मैं रिंच लेकर के टाइट नहीं किया था, तो नीचे ले जा करके उसको सेट करने के बाद फिर रिंच से टाइट करना पड़ता है। जहाँ पे सेटिंग मांगे वहाँ पे सेटिंग करके और आप टाइट कर सकते हैं। और टाइट करने के बाद में फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दाब किस प्रकार से उठता है, ये घुटना सेट कैसे काम करता है, ये सब चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देख लीजिए यहाँ से नीचे से सेट कर चुका हूँ और जब नीचे से मैं उठा रहा हूँ तो देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है ये जो दाब है उठ रहा है। देख लीजिए नीचे से उठाएंगे तो ये दाब उठेगा, देख लीजिएगा। तो अब अच्छा सा एकदम दाब उठ रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।